हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस प्रैक्टिकल सेशन में हमने लास्ट टाइम जो किया था वो एनोनिमस फंक्शन यानी लैम्डा फंक्शंस के बारे में प्रैक्टिकल किया था। इसके अलावा रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड स्कोप ऑफ वेरिएबल यानी स्कोप ऑफ वेरिएबल इसका लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल किया था। ठीक है, सो इस सेशन में हम एक्सेप्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पाइथन हैज़ अ मैनी बिल्ट इन एक्सेप्शन विच फोर्सेस आवर प्रोग्राम टू आउटपुट एन एरर व्हेन समथिंग इन इट गोज रॉन्ग। सिंपल चीज़ है, कोई एरर अगर आती है तो उस तरह वहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट होता है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम कुछ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें एक्सेप्शन है, स्टॉप आइटरेशन है, सिस्टम एग्जिट है, स्टैंडर्ड एरर, अर्थमेटिक एरर है, ओवरफ्लो एरर है, फ्लोटिंग है, एंड लुकअप एरर, इंडेक्स एरर, की एरर, नेम एरर, देन अनबाउंड लोकल एरर, सो आईओ एरर एंड सो ऑन, इंडेंटेशंस वगैरह है और रन टाइम एरर है। सो तो यहाँ पर हम एक्सेप्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो एक एग्जांपल करेंगे। हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक लगाया सिंपली। ओके, ट्राई ब्लॉक में लिखा मैंने प्रिंट और एक्स, ठीक। देन यहाँ पर मैंने लिखा एक्सेप्ट ई एक्स सेप्ट, सॉरी ई एक्स है, ओके, सी ई पी टी, एक्सेप्ट, देन प्रिंट किया, यहाँ पर एक मैसेज डाला मैंने द एक्सेप्शन एक्सेप्शन देन अकर्ड। ओके, एक सिंपल सा मैसेज है, आप यहाँ पे जो भी चाहे मैसेज वहाँ पे सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, फिर मैंने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन इसलिए अकर्ड हो रहा है क्योंकि रीज़न ये है कि हमने एक्स को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, सो मतलब यानी कि किसी भी क्योंकि डिक्लेयर इस मीन कि एक्स की हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। और सपोज़ करिए कि अगर मैं यहाँ वैल्यू देता, मतलब 23 जस्ट मान लीजिए, तो थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर एक्सेप्शंस क्या होता, वैल्यू 23, यानी क्योंकि एक्स को मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू है वो जो 23 है, तो प्रिंट में जब हमने लिखा एक्स तो उसने एक्स की वैल्यू, और उस टाइम पर मैंने क्या किया था कि एक्स की वैल्यू को तो वो कर दिया था डिलीट, सॉरी उस टाइम पे मैंने जो एक्स की वैल्यू को डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए वहाँ पर एक्सेप्ट में जाके उसने क्या किया, पर्टिकुलर एक्सेप्शन को कैच कर लिया। ठीक है, तो ये बात कुछ समझ में आई होगी, पहले मतलब मैंने एक्स की वैल्यू को कुछ क्या कहते हैं। अब अगर हम चाहें तो नेम से रिलेटेड मतलब ले सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर पहले मैंने यहाँ पर लिखा ट्राई, ओके, एंड द प्रिंट। अब मैंने यहाँ पर एक्स चूँकि मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ, अब हर बार में क्या है कि वैल्यू वही वही बताएगा, सो हमने यहाँ पर नया वेरिएबल ले लिया, देन वाई, ओके, एंड द एक्सेप्ट देन एंड द प्रिंट, यहाँ पर लिखा मैंने समथिंग इज समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक, आप इसके साथ चाहे तो आप एल्स का यूज कर सकते हैं, सो मैंने यहाँ पर एल्स लिखा, और एल्स आप इंडेंटेशंस के हिसाब से ही रखेंगे, अगर इंडेंटेशंस के हिसाब से नहीं रखेंगे तो एरर फायर करेगा। सो मैंने यहाँ पर एक मैसेज सेट किया प्रिंट में, प्रिंट नथिंग